वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें या तो हीट की जरूरत पड़े या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े या फिर सनलाइट की जरूरत पड़े, मतलब इन तीनों में से किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट रहे, मतलब हम अगर रिएक्शन करवाने के लिए अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो स्टूडेंट्स दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उससे अपोजिट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हमें एनर्जी हीट या कुछ मिलता है, ठीक है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें अपनी एनर्जी जो है, अपनी हीट एनर्जी जो भी है उसके ऊपर लगानी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मतलब वो रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, उसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है तीन तरह से हम दे सकते हैं। बेसिकली आपकी 10th क्लास में तीन तरह की रिएक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है। एक रिएक्शन का एग्जांपल आपको वो याद रखना है जिसमें आपको हीट देना पड़े, ठीक है। आपका एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी आएगा कि उनके एग्जांपल दीजिए जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो थ्री एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको याद रखना है, ऐसी कोई रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए जिसमें आपको हीट देनी पड़े। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ी है, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ी है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने देखा था कि हीट देने पर जो है प्रोडक्ट्स बन रहे थे, एक रिएक्टेंट को जैसे हमने हीट दिया तो प्रोडक्ट बन रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो सभी रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हमने हीट दिया, ठीक है, तो हीट देने पर ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। हीट हमने यहां पर दी तो ये क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है। अरे बात समझ में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आपने देखा है इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सिल्वर क्लोराइड को हम जब हीट दे सॉरी सनलाइट में रखेंगे, व्हेन दैट विल बी ट्रीटेड इन द सनलाइट, जब सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाएगा दैट विल बी डिकम्पोज्ड इनटू एजी प्लस सीएल2, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं इसको, यहाँ पर दो आ जाएगा, यहाँ भी दो आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है एक एग्जांपल है जिसमें सनलाइट से रिएक्शन को डिकम्पोज कराया गया। यहाँ पर हीट देना पड़ा, यहाँ पर सिर्फ सनलाइट से काम चल जाता है, ये रिएक्शन जो है डिकम्पोज हो जाता है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, जब वॉटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, ठीक है, ये आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक बार रिएक्शन को याद कर लीजिए। वोटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करवाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो देखिए वोटर वैसे बेसिकली जो है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डालना पड़ता है इसको कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा एसिड बेस डालने पर जैसे वोटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अलग हो गया तो H2 हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या हो गया, O2 हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर जब इसको डिकम्पोज किया जाता है तो डिकम्पोज कैसे किया गया, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है। इसमें सनलाइट दी गई, इसमें हीट दी गई। तो इस तरह से हम अपनी एनर्जी जो है इन रिएक्शंस में अपनी एनर्जी जो है दे करके उसे एब्जॉर्ब करवा करके, ठीक है, ये रिएक्शन ये प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दैट ऑल द एग्जांपल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हम कंसीडर कर सकते हैं और इसे डिकम्पोजिशन में भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव द एग्जांपल व्हिच ऑफ द डिकम्पोज बाय द इलेक्ट्रिसिटी, बाय द हीट एंड द बाय द सनलाइट, तो आपको ये सब एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। सनलाइट का एग्जांपल आई होप आपको एक और भी याद होगा, ठीक है। इसका दो एग्जाम्पल हीट वाले करवाए थे वो भी आपको याद होंगे। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा था, इसका एग्जाम्पल था AZBr, ठीक है। AZBr सेम ऐसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन निकला था, ये रहा, यहाँ पर क्लोरीन निकला था तो वहां पर Br निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाएगा 2Az प्लस में Br2, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक सनलाइट का एग्जाम्पल हो गया। तो इन दोनों में से दोनों भी याद कर सकते हो, एक भी करना चाहते हो एक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स आपको चाहिए हो
तो इसके कमेंट में, वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, तो आपको मैं और भी इसके रिलेटेड जो है जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सभी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए।